भारत में और भारत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि आपका नेटवर्क पूरे ग्रह पर समय दुनिया भर में शांति की जरूरत है उसी संदेश पूरी तरह शांति के बारे में और हमारे पास सहनशीलता दया अनुग्रह क्षमा है हमें आप। दोस्तों बाइबल में व्यवस्था विवरण 28 की 13 में लिखा है और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। दोस्तों बाइबल में परमेश्वर ने एक मसीह विश्वासी से जितने भी वादे किए हैं अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जो भी वादे किए हैं परमेश्वर इन वादों को पूरा करते ही हैं। लेकिन इन वादों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने के लिए एक मसीह विश्वासी को परमेश्वर की अगुवाई में रहकर चलना ही चाहिए और परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहना चाहिए। फिर परमेश्वर उसे पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएंगे यानी कि सबके सामने उसे ऊँचा करेंगे। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में अपोस्टल अंकुर अरोड़ा जी फॉरेन कंट्री में गए हुए हैं और वहाँ पर उन्हें सम्मानित करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट और उच्च अधिकारियों की तरफ से उन्हें इन्वाइट किया गया है। और दोस्तों अपोस्टल जी को पापुआ न्यू जेनुआ के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापे की तरफ से अपोस्टल ऑफ पीस अवार्ड देकर सम्मानित किया गया और वहां से कुछ तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स भी हमारे सामने आई हैं जिसमें प्रधानमंत्री जेम्स मरापे जी अपोस्टल जी को सम्मानित करते हुए उनके बारे में बोल रहे हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वह वीडियो क्लिप और साथ में हम देखते हैं वहाँ की कुछ तस्वीरों को। सुसमाचार मत्ती अध्याय 5 में लिखा है धन्य है वे जो मेल करवाने वाले क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए आप शांति के दूत हैं आशा करते हैं कि आपकी सेवकाई और शांति स्थापना केवल भारत में और भारत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि आपका नेटवर्क पूरे ग्रह पर समय दुनिया भर में शांति की जरूरत है वही संदेश पूरी तरह शांति के बारे में हमें और हमारे पास सहनशीलता दया अनुग्रह क्षमा है हमें आप शांति के दूत बने रहे यह आपके और आपकी पत्नी तथा आपकी सेवकाई के लिए छोटा सा सम्मान है। तो दोस्तों इस सब के लिए परमेश्वर की महिमा हो क्योंकि परमेश्वर ही हैं जो अपने दासों को प्रधानमंत्रियों और कई उच्च अधिकारियों के द्वारा मान सम्मान दिलवाते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।